करेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चलिए गुड बनता गया तो हम करते हैं स्टार्ट। आज है हमारा, हम लोग पढ़ रहे हैं सॉरी एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का कोर्स, एंड उसके अंदर आज हमारा 10th लेक्चर है। एंड 10th लेक्चर होने का मतलब सर 1 2 3 करते करते हम लोग 9 लेक्चर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। इन 9 में से 8 लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग जो है आपके पास यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। एंड हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सारे के सारे लेक्चर्स के नोट्स जो है आपके वेल अपडेटेड बन चुके हैं। एंड ये सब्जेक्ट जो है, ये टॉपिक जो है आपको वेल रिवाइज्ड भी है। सर वेल रिवाइज करना जरूरी है क्या? हाँ वेल रिवाइज होना बहुत जरूरी है। जिसको आज तक का नेशनल पार्क याद नहीं है ना, उसके लिए आज की क्लास को पढ़ना थोड़ा सा कठिन होगा। क्या होगा? थोड़ा सा जो है आपके पास यहाँ पे कठिन होगा। इट विल बी लाइक सो हार्ड टू अंडरस्टैंड टूडेज टॉपिक, लाइक टू मेमोराइज टूडेज टॉपिक इफ यू आर नॉट लाइक रिवाइज वेल रिवाइज इन विद दीज नेशनल पार्क इश्यूज। सो व्हाट आर दीज सर? दीज आर सम नियम प्लस कायदे प्लस कानून ऑफ अवर क्लासेस दैट प्रीवियस क्लासेस जो है आपको एटलीस्ट 3 बार करनी होती है बेटर रिटेंशन ऑफ द सब्जेक्ट के लिए। यहाँ पर आपको रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ना है, आप चाहे तो द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हैं। सर मैं पूरा का पूरा न्यूज़पेपर डेली पढ़ लूँ पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर लास्ट तक? नहीं, आपको सिर्फ वही सब्जेक्ट के न्यूज़पेपर पढ़ने हैं जिसका स्टैटिक पोर्शन आपका कंप्लीट हो चुका है। रेगुलर आपके पास यहाँ पे डाउट सेशन होंगे, तो डाउट सेशन का वैसे तो आपको डाउट वगैरह लिख करके रख लेने होते हैं, जब डाउट सेशन हो तो पूछ लो। बाकी जो कुछ भी इमीडिएट डाउट हो तो आप मेरे को मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। मेंटेन करके रखना है डेकोरम एंड डिसिप्लिन इन द क्लास। अगर किसी भी तरह का कोई भी कमेंट आप करते हो तो उसे टॉलरेट जो है वो नहीं किया जाएगा, एंड आपको स्ट्रेट अवे यहाँ से क्लासेस से ब्लॉक कर दिया जाएगा। अगर आप लोग क्लास के अंदर लेट आते हैं तो इससे आपकी ही सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग जो है एडवर्सली इंपैक्ट होगी। तो क्या करें सर इसको बचने के लिए? अरे बेटा पंक्चुअलिटी को मेंटेन करो, डेली रात को 10 बजे आओ और क्लास को ज्वाइन करो। मीडियम ऑफ द टीचिंग जो है आपके पास बायलिंगुअल रहेगी सर, फ्रेंच एंड रशिया? अरे नहीं, हिंदी एंड इंग्लिश, इन दोनों में ही जो है मेरी तरफ से अच्छे प्रयास रहेंगे कि मैं आपको टॉपिक को जो है समझा दूं। मगर अगर फिर भी कोई टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आता है तो ऐसे नहीं कहना है कि सर तो मेरे को तो आकर के मेरी पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर जो है समझाओ। नहीं, हिंदी एंड इंग्लिश ये दो हमारी लैंग्वेजेस रहेगी। अगर इसके बाद भी अगर आपके पास कोई भी डाउट होता है तो आपके पास ऑप्शन है, एक क्या आप क्लास के बाद रुक करके पूछ सकते हैं, दूसरा आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, तीसरा आप डाउट सेशन का वेट कर सकते हैं। आपका माइक जो है यहाँ पर ऑफ रहता है, आपका कैमरा जो है हम लोग यहाँ पे ऑन कराते हैं, एंड जब कभी भी आपसे किसी भी डिस्कशन के लिए बोला जाए तो आपको अपने कैमरा को माइक को भी ऑन करना है। एंड जो बैकलॉग सब्जेक्ट है उनको आप वेबसाइट के ऊपर जाकर के जो है वो कम्प्लीट करते रहे सर। वेबसाइट के ऊपर जाके, हाँ अभी तुमने देखा ना ह्यूज डिस्काउंट भी है आपके पास। यस सर। तो यहाँ पर आप लोग हैं अभी लाइव क्लासेस के अंदर, लाइव क्लासेस हमारी टोटली फ्री होती हैं। ये लाइव क्लासेस डेली 10 बजे होती हैं गूगल मीट के ऊपर, जिसका लिंक आपके टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप के चैनल के ऊपर जो है वो आ जाता है। ये जो हम लोग कोर्सेज कर रहे हैं ये वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हमारे वापस मेंटेन होते हैं sunillakhawat.com इस वेबसाइट के ऊपर। एंड इस वेबसाइट के ऊपर आप जाकर के देखोगे तो इंडियन पॉलिटी, रिलेशंस, इंडियन इकोनॉमी, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। सर ये तो यूट्यूब के ऊपर है। हाँ ये वाला जो है कोर्स वो यूट्यूब के ऊपर है, बाकी सारे के सारे कोर्सेज हैं हमारे वेबसाइट के ऊपर वेल मैनेज जो है वो है। आप चाहे तो इन कोर्सेज को 799 799 799 इंडिविजुअली जो है आप जाकर के ले सकते हैं, जिसमें आपको कोर्सेज जो है वो 1 साल की मेंबरशिप के लिए सॉरी 1 साल की ड्यूरेशन के लिए जो मिल जाता है। एंड अगर आप चाहें कि सर मेरे को तो सारे के सारे कोर्सेज देखने हैं तो आप जो है मेंबरशिप प्लान के लिए भी जा सकते हो। ये आपके पास मंथली, क्वार्टरली एंड ईयरली अवेलेबल है विद मिनिमम प्राइस ऑफ 799 ओनली। क्लियर सभी को? एंड अभी 22 23 24 सर इन डेट्स को क्या है? अरे बेटा ह्यूज डिस्काउंट है, ह्यूज डिस्काउंट। ओहो यस सर। तो कोर्सेज के ऊपर ह्यूज डिस्काउंट है, आप जाकर के यहाँ से जो है उन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। सर ये क्या है? ब्लैंक पेज। हाँ सर ब्लैंक पेज क्यों इंपॉर्टेंट है? ब्लैंक पेज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जो है हम लोग यहाँ पे पढ़ाई करेंगे। तो अभी मैं आपको पढ़ाऊं इससे पहले ये मैप, सर ये तो पूरा आता है। अरे ये तो कोई बात नहीं आता है, तो ये पूरा का पूरा मैप जो है आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। एक बार फिर से देख लो अपने अपने नोट्स में, बट ये इतना पूरा मैप जो है आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। यस प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा, मेरे को सब दिखने चाहिए कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हो इन सब चीजों को। यस प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। हृदय, दर्शना, मितेश, आकांक्षा, अमनदीप, प्रियांशी, अभी, संजय, यस प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। चलिए गुड वन। यस तो ये सारे के सारे नाम जो है आपके याद होने ही चाहिए। मेरे गैस से ये सारे नाम आपको याद होंगे भी, इन नामों में जो है किसी तरह की कोई भी दिक्कत जो है आपके पास यहाँ पे होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ओवर द टाइम जब हम लोगों ने नेशनल पार्क पढ़ाए थे मैंने आपको, तो उस टाइम में इन सारे ही नामों को जो है मैंने आपको रटवा दिया था, बिल्कुल बहुत ही अच्छे से जो है वो याद करा दिया था। सर इकोनॉमी के कुछ क्वेश्चन जो है वो नहीं बन रहे हैं तो आपको पूछना चाहिए था। सर क्लास के नोट्स हिंदी में? चलिए
चलिए ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है आपके पास बिल्कुल याद जो है वो होने चाहिए। अब अगर आपने ये सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स आपको याद हैं, तो उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनमें से मैप वाली साइट्स कौन कौन सी है। यस, इन टोटल देर वर 18 बायोस्फीयर रिजर्व, आउट ऑफ दोज ओनली 12 आर रिकॉग्नाइज एज मैप साइट बाई यूनेस्को। क्लियर? तो वो मैप साइट्स कौन कौन सी है ये भी आपको याद होना चाहिए। आपके पास क्वेश्चन में जो है कभी भी पूछा जा सकता है कि मैप साइट जो है आपके पास यहाँ पे इनमें से कौन कौन सी रहेगी, एंड प्लस इनकी डिटेलिंग। अब सर डिटेलिंग में क्या करना होता है, डिटेलिंग में आप देखो कि मान लो कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में आपने पढ़ा, तो उससे एसोसिएटेड नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, उससे एसोसिएटेड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कौन कौन सी है, वहां पर कौन कौन सी स्पीसीज जो है आपके पास पाई जाती है, अगर कोई पेड़ है, कोई रिवर वगैरह अगर वहां से निकलती है तो कौन कौन से रिवर्स वहां से निकलती है, कौन कौन से माउंटेन्स आपके पास वहां पे हैं, तो ये सारी की सारी चीजें याद करना आपके पास होना ही चाहिए, है ना, याद आनी चाहिए। अब सर इतना सारा डेटा हम एक साथ याद कैसे करें, तो हमने स्टेप बाय स्टेप मैपिंग कर रखी है। पहले हमने माउंटेन्स पढ़े थे, फिर हमने रिवर्स पढ़े थे, उसके बाद जब हम एनवायरनमेंट के कोर्स के अंदर आए तो हम लोगों ने नेशनल पार्क्स को पढ़ा, नेशनल पार्क के साथ साथ हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड स्पीसीज की मैपिंग कर ली। तो अब अगर मैं आज बायोस्फीयर रिजर्व की मैपिंग करूंगा, जिसको पुरानी सारी क्लासेस बहुत अच्छे से याद है, उसके लिए आज की क्लास एक रिविजन क्लास होने वाली है, जिसमें बेहतर तरीके से सब कुछ बहुत ही पूरा जो है वो आपका रिवाइज होगा। एंड जिसको रिवाइज नहीं है, जिसको याद नहीं है, वो आज आराम से बैठ करके फिर वो अपने नोट्स लिखेगा, ठीक है। बट आज के नोट्स सिर्फ इसलिए हैं ताकि आपको एक रहे कि हाँ इस बायस पर रिजल्ट से ये एसोसिएटेड है। बाकी हम जितनी भी चीजें पढ़ेंगे वो मोस्टली चीजें आप लोगों ने पहले से जो है वो पढ़ रखी है कि हाँ इस वाले रीजन में ये सब चीजें आपको मिलती है। क्लियर सभी को? यस। तो आज जो हमने लास्ट क्लासेस के अंदर बायस पर रिजल्ट को पढ़ा था, हम जो है उनकी डिटेलिंग करेंगे। 1 घंटे की आपके पास एक क्लास होगी, इस क्लास के अंदर जो है जितना मैक्सिमम हो पाए उनकी डिटेलिंग जो यहाँ पे आपके पास करेंगे। डन सभी को? तो पहला नीस जो बायोस्फीयर रिजर्व हम लोग लेते हैं, पहला बायोस्फीयर रिजर्व ले लेते हैं, लेते हैं नीलगिरी। अब नीलगिरी को देखते ही सबसे पहले आपको इसकी लोकेशन जो है वो पता चल जानी चाहिए कि यहाँ पे नीलगिरी कौन है। नीलगिरी को अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे ये यह आपके पास आ गया नीलगिरी, यहाँ पर आपके पास एक ट्राई जंक्शन के ऊपर जो ये बन रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई पास में अगर नेशनल पार्क हमने पढ़ा है, इधर पास में अगर कोई नेशनल पार्क पढ़ा है, यहाँ पर अगर कोई पास में आपने नेशनल पार्क पढ़ा है, तो वो इस नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के पार्ट होने की उनकी पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा है। मगर अगर कोई नेशनल पार्क आपने इस लोकेशन के ऊपर पढ़ा है, तो क्या अब वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट होगा? नहीं। यस, तो लोकेशन जिस जिसको याद है, जिस जिसको इजिली वो पूरा पता है कि लास्ट में नीचे की साइड में कर्नाटका में कौन सा बायोस्फीयर सॉरी नेशनल पार्क था, ऊपर की साइड में कौन सा नेशनल पार्क था, तो वो जो है इजिली इन सारे क्वेश्चन को जो है यहाँ पे कर जाएगा। तो समझते हैं आप क्या, सिंपल सिंपल नोट्स बनवाऊंगा मैं आप आज जो है आपकी क्लासेस के, तो आप चाहे तो लाइव क्लासेस में भी बना सकते हैं, अदरवाइज जो है इसकी पीडीएफ भी जो है मैं आपके पास यहाँ पे दे ही दूंगा। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है आपके पास यहाँ पे है। जब हम लोगों ने देखा तमिलनाडु साइड में, अगर मैं तमिलनाडु साइड में यहाँ पे देखूंगा तो 2 नेशनल पार्क हम लोगों ने पढ़ रखे थे, एक तो मुदुमलाई नेशनल पार्क और एक मुकुर्ति नेशनल पार्क। मुदुमलाई एंड मुकुर्ति नेशनल पार्क, ये दोनों ही जो है आपके पास यहाँ पे आते हैं। पास में अगर मैं कर्नाटक को देखूं, कर्नाटक को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे नागरहोल और बांदीपुर, अगर आपको याद हो तो उनको हमने नीचे की साइड में ही पढ़ा था, तो कौन कौन से हो गए, नागरहोल एंड बांदीपुर, ये दोनों नेशनल पार्क जो है आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे। फिर अगर मैं केरला में चलूँ, ये केरला है ना, केरला में अगर मैं चलूँ तो यहाँ पर हमने देखा था जस्ट इसके पास में साइलेंट वैली नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। यस, तो ये सारे के सारे नेशनल पार्क किससे एसोसिएटेड आपके पास हो जाएंगे, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व से जो है आपके पास एसोसिएटेड हो जाएंगे। यहीं पर अगर मैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपके पास देखता हूँ, तो यहाँ पर आपको एक तो सत्यमंगलम जो है वो देख वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलती है, सत्यमंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एंड अगर आपको पता हो तो ये एक टाइगर रिजर्व भी है ना, सत्यमंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये आपके पास एक टाइगर सेंचुरी भी आपके पास है। इसके अलावा जब मैंने केरला की आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में बताया था, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि भाई वायनाड है आपके पास, है ना, और कोई चीज अगर नहीं देख रखी है तो यहाँ पर आपके पास अपडेट हो जाएगी कि मैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात कर रहा हूँ आपके केरला की, है ना, केरला की कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। तो वायनाड आपके पास देखने को मिल जाती है, एक आपने करीम पूजा का नाम सुना होगा, करीम पूजा, और एक अरालाम, ये सारी की सारी केरला की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जो आपके नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के जो है वो पास में आपके पास रहती है, इस एरिया में जो है आपके पास यहाँ पे आती है। अगर हम लोग स्पीसीज वाइज देखें, तो स्पीसीज वाइज में इंडिया में मैंने आप लोगों को बताया था कि जहां जहां पे वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट के अंदर
लॉयन टेल्ड मकाऊ जो है आपके पास यहाँ पे बहुत मिलता है। तो ऑब्वियसली इस नीलगिरी बायोस्फीयर के रिजर्व के अंदर आपके पास एक हायर पॉसिबिलिटी के हैं कि आपको यहाँ पे लॉयन टेल्ड मकाऊ जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड नीलगिरी से ही नाम से आपको याद आ रहा होगा, नीलगिरी तहर के बारे में भी हमने पढ़ा था, तो ऑब्वियसली नीलगिरी तहर भी जो है आपको यहाँ पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यस, अगर मैं वेस्टर्न घाट को देखूं, वेस्टर्न घाट के जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, है ना, ऐसे प्लांट्स जिनके ऊपर कोई फ्लावर वगैरह आते हैं, उसका 80% फ्लावरिंग प्लांट्स वो सारे के सारे कहाँ पे हैं? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ही हैं। ठीक है, वो सारे के सारे आपके पास नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ही होते हैं। तो कितने सारे पॉइंट्स नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व से ध्यान रखना है? सबसे पहले नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो तमिलनाडु साइड आप देखोगे तो मुदुदारे और मुकुर्ति हम लोगों ने देखा था, है ना। तमिलनाडु के साथ साथ नेशनल पार्क का पेज भी साथ रखना एंड उसमें देखते चलो कि हाँ तमिलनाडु में मुदुमलाई मुकुर्ति हमने इसके पास ही देखा है, इसी एरिया में देखा है ना। तो मुदुमलाई मुकुर्ति आपके पास हो जाएगा। कर्नाटक में आप जाओगे तो नागर होला है, बांदीपुर है, इनको हमने नीचे देखा था, ये सुनो, इनको जो है हमने नीचे की साइड में ही देखा था, नागर होला एंड बांदीपुर। और केरला में आप जाओगे तो यहाँ पर आपको साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है देखने को मिल जाता है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। इसके अलावा अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाओगे तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है आपके पास। फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर आप केरला की चेक करते हो तो वायनाड है, करीमपुजा है एंड अरालाम जो है आपके पास केरला की। फिर स्पीसीज को अगर आप देखते हो तो लॉयंटेड मकाऊ आपको मिल जाता है, नीलगिरी तहर आपको मिल जाता है एंड वेस्टर्न घाट रीजन में जितने भी फ्लॉरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें से 80% फ्लॉरिंग प्लांट्स आपके नीलगिरी तहर में ही देखने को, सॉरी नीलगिरी में ही देखने को मिलते हैं। तो एक बायोस्फीयर रिजर्व जो है हमने पढ़ लिया। यस सर, एक बायोस्फीयर रिजर्व तो जो है हमने पढ़ लिया। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व की बात करूं तो आपके पास आता है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ था? अगर नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है तो यहाँ पे आकर के मार्क में ढूंढ लो आप। आपने देखा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पे उत्तराखंड में है। अब जैसे यहाँ पे देखा, अब उत्तराखंड के आपको उत्तराखंड में कहाँ पर है, देखो इस लोकेशन के ऊपर, तो अब आपको पता चल जाना चाहिए कि सिम्बाल बारा कहाँ पर था, साइलेंट वैली कहाँ पर था, कौन कौन से नेशनल पार्क किधर किधर आपके पास थे एंड उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे बता सकते हो कि कौन कौन से नेशनल पार्क आपके इसके पास में जो है वो आ सकते हैं। तो याद आ रहे हैं कि नहीं? नहीं, नहीं याद आ रहे हैं। एक तो हमने इधर देखा था नंदा देवी, यस, और नंदा देवी के जस्ट पास में ही हमने देखा था वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। तो ये दोनों ही जो आपके पास आ जाते हैं नंदा देवी के पास, कौन कौन से? एक तो नंदा देवी नेशनल पार्क और एक वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। अब दो नेशनल पार्क के बारे में देख लिया, इन दोनों नेशनल पार्क से एसोसिएटेड रिवर्स कौन सी है, यहाँ पर स्पीसीज कौन कौन सी मिलती है, वही सारी इस बायोस्फीयर रिजर्व में भी मिल जाएगी। यस, क्योंकि लैंड तो एक ही है ना भाई, लैंड तो एक ही है, अब चाहे उसे राजस्थान कहो चाहे इंडिया कहो, जमीन का टुकड़ा तो एक ही है। यस, चाहे जयपुर डिस्ट्रिक्ट कहो चाहे राजस्थान कहो चाहे इंडिया कहो, जगह तो एक ही है, यस ना। तो उसी तरीके से जो नेशनल पार्क की डिटेलिंग हम लोगों ने करी थी वही सेम डिटेलिंग जो है आपके पास यहाँ पे नंदा देवी ने वाइल्ड लाइफ सॉरी बायोस्फीयर रिजर्व के लिए भी आपके पास आ जाती है। नेक्स्ट देखते हैं गल्फ ऑफ मन्नार को। तो नेक्स्ट हेडिंग जो है आपके पास हो जाएगी गल्फ ऑफ मन्नार। अब देखो प्रीवियस नॉलेज जो है आपके पास यहाँ पे लगाता है लगेगा। जब हमने इंडियन ज्योग्राफी के टाइम में मैंने आपको कोस्ट के बारे में पढ़ाया था, कोस्ट लाइन, इंडियन कोस्ट लाइन के बारे में जो मैंने पढ़ाया था, तो वहां पे इंडियन कोस्ट लाइन को कौन कौन से कोस्ट के बारे में बाद में जानते हैं, है ना, कि इधर कौन सा कोस्ट है, इस साइड में कौन सा कोस्ट है, ये सुनो, उसमें हमने बांट रखा है, वो इंडियन मैपिंग के अंदर मैंने पूरा आपको याद करवा रखा है। अब जिस जिसने वो कोर्स कर रखा है, जिसका वो कोर्स वेल रिवाइज है, उसको बिल्कुल याद आ जाएगा कि हाँ सर गल्फ ऑफ मन्नार की साइड में कौन सी कोस्ट लाइन जो है वो इंडिया की पड़ती है। यस, याद आ रहा है कौन सी कोस्ट लाइन होगी यहाँ पर आपके पास, कौन सी कोस्ट लाइन जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी? यस, कोरोमंडल कोस्ट लाइन, यस, तो कोरोमंडल कोस्ट लाइन जो है आपके पास यहाँ पे देखने को जो है वो मिल जाती है। तो कोरोमंडल कोस्ट लाइन को आपको ध्यान रखना है। हम लोगों ने अभी कुछ टाइम में जब गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क के टाइम से मैं बताया था, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे सीकाऊ मिलती है, सर सीकाऊ नहीं, आपने कहा था डुगोंग मिलती है, अरे सर डुगोंग ही तो सीकाऊ है, तो सीकाऊ जो है आपको यहाँ पे मिलती है। तो जो सीकाऊ गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क में मिलती है वही इस बायोस्फीयर रिजर्व में भी मिल जाएगी, क्योंकि चीजें आपके पास यहाँ पे यही है। यहीं पर आपके पास आप देखते हो तो राम सेतु है, जिसको हम लोग एडम्स ब्रिज भी बोलते हैं, है ना, राम सेतु जो है वो भी जो है आपके पास यहाँ पे यही है। इंडिया और श्रीलंका के बीच में आप देखते हो पाक बे,
ये पार्क में भी जो है आपको यहाँ पे इधर ही जो है वो देखने को मिलती है। एंड आपने देखे होंगे मन्नार आइलैंड्स, यहाँ पर आइलैंड्स का ग्रुप है जिनको हम बोलते हैं मन्नार आइलैंड्स, तो गल्फ ऑफ मन्नार में ही होंगे मन्नार आइलैंड्स। यस, गल्फ ऑफ मन्नार में ही आपके पास कौन से होंगे, मन्नार आइलैंड्स। तो ये सारी सीधी डिटेलिंग जो है आपके पास गल्फ ऑफ मन्नार से रिलेटेड आपको ध्यान रखना होती है। Yes. अब देखो, जब हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के कोर्स में रिवर्स को जब मैंने आपको पढ़ाया था, रिवर्स वाले कोर्स में मैंने वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स को अलग से कराया था, है ना, कि छोटी छोटी नदियां जो कि बिल्कुल ईस्ट में फ्लो करती है, छोटी छोटी नदियां जो कि बिल्कुल वेस्ट में फ्लो करती है, उनको मैंने अलग से पढ़ाया था। यस, किस किस को याद है, किस किस को उन नदियों के नाम याद है, किस किस को वो कोर्स जो है वो याद है ना, पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। वहां पर हमने कुछ एक रिवर्स पढ़ी थी जो इसमें एक नक का नाम था आपके पास, थमीरा बरानी रिवर्स, थमीरा बरानी रिवर। तो एक तो थमीरा बरानी रिवर और एक इसी के पास से आपके पास निकलती थी व्यापार रिवर, किसकी है, तमिलनाडु की। ये दोनों की दोनों रिवर्स जो है आपके पास कहाँ से, इसी बायोस्फीयर रिजर्व से जो है आपके पास ताल्लुका रखती है। डन सभी को? यस, कौन कौन सी हो गई, थमीरा बरानी रिवर एंड व्यापार रिवर, ये सब जो है आपके पास यहाँ पे आ जाते हैं। तो कितने नेशनल पार्क जो, सॉरी, कितने बायोस्फीयर रिजर्व हमने देख लिए, हमने नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को देख लिया, गल्फ ऑफ मन्नार को देख लिया, हमने देख लिया नंदा देवी को, तीन कंप्लीट। चौथा हम लोग चलते हैं पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, चौथा लेट अस गो टू पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, फोर्थ। समझते हैं कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में आपके पास क्या क्या है। सबसे पहले लोकेशन देख लो, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व आपके पास आ रहा है इस लोकेशन के ऊपर, यहाँ पर, ठीक है। अब वापस जाइए आप मध्य प्रदेश के मैप के ऊपर और वहीं पे पास में कौन कौन से नेशनल पार्क हम लोगों ने यहाँ पे पढ़े थे। जब यहाँ पे मैंने अपना नेशनल पार्क पढ़ाया था तो इधर पढ़ाया था, इधर पढ़ाया था, फिर इधर 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 पढ़ाया था, फिर ऐसे 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 करके नेशनल पार्क मैंने आपको याद करवाए थे। तो ऑब्वियसली जो इस रीजन में आपके पास नेशनल पार्क पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे आपके पास इससे एसोसिएटेड जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब जिस किसी को नाम याद है उनको अच्छी बात है, जिसको नाम याद नहीं है वो जो है एक बार फिर से देख लेगा। तो नेक्स्ट आपके पास हो जाता है पंचमढ़ी बायोस्फेयर रिजर्व, यहाँ पर आपने देखी थी बोर सेंचुरी, ठीक है, ये वाली आपके पास हो जाएगी बोर सेंचुरी, ठीक है। फिर आप देख सकते हो पंचमढ़ी सेंचुरी, क्या हो गया, मैंने लाइन गलत बना दी क्या, एक सेकंड, ये वाला है एक आपके पास और एक आपके पास है ये वाला, कहाँ लिख रहा था मैं, हाँ पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व पास। यस, उसके बाद आप देखते हो तो सतपुड़ा नेशनल पार्क भी आपको यहीं पे मिलेगा। जब मैंने आपको इंडियन ज्योग्राफी के कोर्स के अंदर सतपुड़ा रेंज मैंने आपको पढ़ाया था, तो सतपुड़ा रेंज के अंदर मैंने आपको धूपगढ़ भी पढ़ाया था। यस, धूपगढ़ को भी जो है हम लोगों ने पढ़ा था, और धूपगढ़ हमने देखी थी कि ये यहाँ की क्या थी, हाईएस्ट पीक जो है आपके पास यहाँ पे होती है, तो धूपगढ़ के बारे में हमने देखा था। जब हम लोगों ने नर्मदा रिवर के बारे में देखा था तो नर्मदा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी आपके पास होती है तवा रिवर, वो तवा रिवर भी आपके पास इस बायोस्फीयर रिजर्व के से थ्रू जो है आपके पास यहाँ पे फ्लो करती है। और एक मैंने आपको बायोस्फीयर, सॉरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बताई थी जिसे हम कहते हैं राता पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये भी जो है आपके पास इसी से एसोसिएटेड है। तो बोर सेंचुरी ध्यान रखनी है, उसके बाद जैसे पंचमढ़ी सेंचुरी ध्यान रखनी है, सतपुड़ा नेशनल पार्क ध्यान रखना है, इसकी हाईएस्ट पीक धूपगढ़, धूपगढ़ हाईएस्ट पीक है, फिर तवा रिवर ध्यान रखना है एंड रातापानी सेंचुरी जो है आपके पास यहाँ पे ध्यान रखनी है। यस, तो चीजें कैसे एक के साथ एक रिलेट होती हुई है, जो सही से मैपिंग कर रहे हैं, जो शुरू से मैपिंग कर रहे हैं, यस, उनके लिए इस कोर्स को करना बहुत आसान है ना। जो सारे के सारे लेक्चर्स देख रहे हैं, देख रखे हैं, उनको जो है ये सारी की सारी चीजें बहुत ही अच्छे से जो है वो सारी की सारी समझ में आ रही होंगी। डन सभी को? और बाकियों के लिए तो फिर नोट्स है, बस लिखते जाइए, फिर जैसे जैसे पुराने लेक्चर्स हो जाएंगे वैसे वैसे आपको ये भी सारे जो है वो समझ में आते हैं लग जाएंगे। डन?
चलिए, तो इतना हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट आपके पास आता है, यस, अचिन कुमार एंड अमरकंटक। अचानक मार गई, बोलता हूँ मैं इसको, तो अचिन कुमार और अमरकंटक, अचानक मार एंड अमरकंटक, समझते हैं। अचानक मार और अमरकंटक में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इस एरिया में मेन सोर्स ऑफ रिवर्स आपके पास है तीन। तो तीन सोर्स ऑफ रिवर आपके पास यहाँ पे है, इनको जो है जस्ट आप देख लो कि इस एरिया में जो है तीन रिवर्स आपके पास यहाँ से निकल रही है। बाकी जो है कुछ खास यहाँ पे है नहीं, क्योंकि नेशनल पार्क को तो उस टाइम में हमने इसको जो है वहीं पे देख ही लिया था, अमरकंटक को भी हमने देख लिया था, अचानक कुमार को भी जो हमने इस टाइम पहले जब नेशनल पार्क के टाइम में पढ़ा था तो हमने वहाँ पे इजिली देख लिया था इसको। तो आपने देखा होगा कि इसी एरिया से आपके पास नर्मदा भी जा रही है, एक रिवर हमने जोहिला भी पढ़ रखी है और एक हमने पढ़ रखी है सोन रिवर। इन तीनों का ही एसोसिएशन आपके पास इस अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व के साथ जो है आपके पास होता है। तो तीन रिवर्स का एसोसिएशन ध्यान रखना है, तीन रिवर्स का एसोसिएशन जो है आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। एंड बाकी इनके इंडिविजुअल जो नेशनल पार्क है उनकी स्पीसीज और उनके बारे में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। यस, तो नेम कैसे याद होंगे इन सभी के? देखिए, आर आर सिंह जो है आप पहली बार आज मेरे ख्याल से क्लास में आए हो, है ना, इसी वजह से आप ऐसा कह रहे हो कि सर ये नाम याद कैसे रहेंगे। बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरे जो पहले से इस कोर्स को कर रहे हैं उनको ये सारे नाम ऑलरेडी याद है ना। तो पहले लेक्चर से जो है इन कोर्सेज को आप एक बार फिर से जैसे जैसे टाइम मिले आप उनको देखते रहिए, आपको वो सारे मैंने याद करवा रखे हैं। यस, क्यों हृदय, अब आपको याद होने लगे नाम कि नहीं याद होने लगे? याद है ना, चलिए गुड मॉर्निंग। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके सारे के सारे नाम जो है वो आपको आपके पास याद होने लग जाते हैं। सर अमरकंटक का रेडियल ड्रेनेज पैटर्न थी ये सारी, यस गुड वन। इसे कहते हैं बिल्कुल शार्प मेमोरी, कि अभी तक बिल्कुल सारी की सारी चीजें याद है। कहाँ, जब हम लोग जियोग्राफी के अंदर मैंने रिवर्स की आपको मैपिंग कराई थी वहां पर ये चीज मैंने बताई थी कि यहाँ से एक रेडियल पैटर्न जो है वो निकलता है, सेम रेडियल पैटर्न जो है आपके पास गुजरात में भी आपको देखने को मिलता है ना, सेम रेडियल ड्रेनेज पैटर्न आपको गुजरात में भी देखने को मिलता है। बस वो यहाँ तक अगर आपको ये सारी चीजें याद है इसका मतलब आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है। वेरी गुड गीश्री, वेरी गुड। ठीक है, तो हमने कौन कौन से नेशनल जो बायस को रिजर्व कर लिए हैं? तो सर हमने कर लिया है नीलगिरी को, फिर हमने ये अचानक मार अमरकंटक को भी कर लिया है, पंचमढ़ी पन्ना को भी हमने कर लिया है, नंदा देवी को भी कर लिया है, गल्फ ऑफ मन्नार को भी कर लिया है। एंड अब चलते हैं वापस कोल्ड डेजर्ट की तरफ। तो कोल्ड डेजर्ट को जो है वो देख लेते हैं कि कोल्ड डेजर्ट आपके पास क्या क्या करता है। अब फट से जैसे ही आपने कोल्ड डेजर्ट यहाँ पे देखा, कोल्ड डेजर्ट के दिखते ही अब आपको यहाँ पे एसोसिएटेड नेशनल पार्क इधर की साइड में हमने ऊपर कौन कौन से देखे थे आपको समझ में आ जाना चाहिए। भाई अगर मैं आपके पास बोल दूं कि किश्तवाड़ है, रिन्हाई रिवर है, किससे एसोसिएटेड है क्या? यस, नहीं होगी। रिन्हाई रिवर किश्तवाड़ में थी, वो जम्मू कश्मीर में था। कोल्ड डेजर्ट आपके पास यहाँ पे जो है पिन वैली के पास में आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। तो जब आपने प्रॉपरली मैपिंग कर रखी है ना एक एक चीज की, तो सारे क्वेश्चन इजीली जो है वो आपके पास यहाँ पे बनने लग जाते हैं। तो अगर हम लोग देखें कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को, तो इससे एसोसिएटेड जो चीजें आपको ध्यान रखनी है वो एक तो ध्यान रखनी है कि आपके पास यहाँ पे पिन वैली नेशनल पार्क देखने को मिलता है, पिन वैली नेशनल पार्क आपके पास हो जाएगा। आपने चंद्र ताल के बारे में भी सुना होगा, यस, तालों में ताल, चंद्र ताल, तो चंद्र ताल के बारे में आपने सुन रखा होगा, सरचू आपने सुन रखा होगा, सरचू, यस सरचू, कैसा सरचू जो है आपके पास जाएंगे। और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है जिसे कहते हैं किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मैंने नेशनल पार्क के टाइम में नहीं पढ़ाई थी, तो ये आपके लिए यहाँ पर जो है आज एक नया नाम हो जाएगा। तो किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी जो है आपको कोल्ड डेजर्ट के पास ही देखने को मिलती है। क्लियर, यहाँ तक? चलिए, तो इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश के अंदर, दिहांग एंड दिबांग अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो दिहांग और दिबांग, दिहांग एंड दिबांग जो अरुणाचल प्रदेश में आपके पास है, ये कहाँ पर है? तो आपको यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में ऊपर की तरफ आपको इधर देखने को मिल रहा है, इधर जो नेशनल पार्क एसोसिएटेड है, अगर आपको याद हो तो हमने माउलिंग को देखा था कि माउलिंग नेशनल पार्क आपके पास यहाँ पे है। यस, माउलिंग नेशनल पार्क जो है आपके पास यहाँ पे है।
और माउलिन तो मैंने यहाँ बताया था, मोलिन कहाँ बताया था? मोलिन, मोलिन कहाँ बताया था? वेयर वॉज मोलिन? मोलिन नेशनल पार्क कहाँ देखा था? यस, मिजोरम में गिर, वेरी गुड, आपको सब कुछ याद है, दैट्स रियली नाइस। तो मिजोरम में हमने ये देखा था, माउलिंग से रिलेटेड हमने सियांग सी सुरोंग, है ना, इस तरीके से इंग वाली रिवर्स भी जो है हम लोगों ने यहाँ पे जो वो देखने की कोशिश करी, तो वो सब याद आना चाहिए। माउलिंग जैसे ही नाम लिखा आपको, वो सब याद आ जाना चाहिए। एंड हमने यहाँ पे देखा था दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, तो ये भी जो है आपको यहाँ पे याद आ जाना चाहिए। तो माउलिंग नेशनल पार्क को इससे एसोसिएटेड ध्यान रखना है, एंड दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को जो है आपके पास यहाँ से ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, लेट अस से उस दिशा में चलते हैं। सर उस किस दिशा में? अरे उस दिशा में, ओडिशा में, और वहां पर आपके पास है सिमलीपाल। तो सिमलीपाल को जो है हम लोग पढ़ते हैं। अगर आप लोगों को इंडियन ज्योग्राफी याद है, इंडियन ज्योग्राफी में मैंने एक वर्ड, जब मान लो मिनरल्स के बारे में जब हम लोगों ने पढ़ा था, जब हमने माउंटेन्स के बारे में पढ़ा था, तो उस टाइम में एक वर्ड हमने बहुत याद किया है, जिसे हम कहते हैं मयूरभंज। यस, मयूरभंज नाम याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? गीत्री, मयूरभंज हमने पढ़ा था यहाँ पे। तो मयूरभंज जो है वो एक एलिफेंट रिजर्व है, वो सिमलीपाल से एसोसिएटेड है। क्या है? मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व, तो ये आपके पास यहाँ पे है। आपने नेशनल पार्क जब मैंने इधर पढ़ाया था, तो बरछा पानी वाटरफॉल के बारे में पढ़ाया था, उसको भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। बरछा पानी वाटरफॉल ये भी किससे एसोसिएटेड है? सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व से तो है, एसोसिएटेड आपके पास हो जाएगा। डन? यस, ये सारी चीजें जो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, असम में दिब्रू साइखोवा। नेक्स्ट लेट अस गो टू असम। असम में जो है आपके पास है दिब्रू साइखोवा, तो दिब्रू साइखोवा को देख लेते हैं। अगर आप दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क को जो है देखते हैं, तो यहाँ पे आपको मिलती है व्हाइट विंग्ड वुड डक। व्हाइट विंग्ड डक जो है आपको यहाँ पे देखनी है, और बड़ी डरी डरी घूमती है, क्योंकि एंडेंजर्ड क्राइटेरिया में जो है आपके पास। डन? व्हाइट विंग्ड वुड डक जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, तो उसका जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। याद हो जाएंगे ये सारे के सारे? यस, अभी इनमें से बहुत ही कम नाम ऐसे हैं जो आज आपके लिए नए रहे हैं, बाकी सारे नाम हमने ऑलरेडी देख रखे हैं। यस, बाकी सारे के सारे नाम जो है हमने ऑलरेडी जो है वो हमारी क्लासेस के अंदर जो है वो पढ़ रखे हैं एंड देख रखे हैं हमने उन नामों को। नथिंग न्यू इन दैट। डन यहाँ तक समझ? क्यों? यस, तो बाकी के जैसे नेशनल पार्क के टाइम में मैंने आपको नेशनल पार्क के नाम याद करवाए थे, मेरे ख्याल से आज जो है उस एक्सरसाइज को तो करने की जरूरत है नहीं कि मैं आपको बैठ करके जो है वो नाम रटवाऊँ यहाँ पे, है ना। ऑलरेडी सारी एसोसिएटेड चीजें हैं। एक तरीका, जिसने शुरू से लेकर के अभी तक की सारी क्लासेज अटेंड कर ली, उसके लिए तो आज की क्लास जैसे एक रिविजन क्लास है। यस और नो? अग्री? गीश्री, तो आपके लिए तो जैसे एक ये आज की क्लास जो है क्या है, एक रिविजन क्लास है ये जस्ट। यस, तो नेक्स्ट चलते हैं सर। कहाँ चलेंगे नेक्स्ट? चलते हैं कहाँ गया? अगस्त्य मलाई। यस, अगस्त्य मलाई में चलते हैं। अब अगस्त्य मलाई में जैसे ही यहाँ पर आपके पास आ गए, अब आपको याद आ जाना चाहिए कि कौन कौन से नेशनल पार्क जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो अगस्त्य मलाई थोड़ा सा बड़ा है, तो आराम से इधर जो है वो देख लेते हैं। अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व, अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व। अब यहाँ पर हम लोगों ने देखा था, आपके पास एक तो है नैयार, एक आपके पास है पिपारा, नैयार एंड पिपारा, ठीक है। ये जो है आपके पास मिलती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नैयार एंड पिपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नैयार एंड पिपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जब मैंने आपको टाइगर रिजर्व पढ़ाए थे यहाँ पे, तो टाइगर रिजर्व में मैंने आपको एक तो नाम बताया था कालाकांड। यस, और एक नाम हमने देखा था यहाँ पे मुदुथराई, मुंधा थराई। ये दोनों के दोनों टाइगर रिजर्व जो आपके पास हैं, ये दोनों ही एसोसिएटेड है आपके पास अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व से।
डन। और एक जो है ध्यान रखना, यहाँ पर आपको एक ट्राइब देखने को मिलती है जिसे हम कहते हैं कन्नी कराने ट्राइब। सारे नोट्स जो है आपके पास यहाँ पे इजीली बन जा रहे होंगे। डन, कन्नी कराने ट्राइब, ये जो है आपको ये पास यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाते हैं। डन। यहाँ तक बाकियों के सारे में जो है इतना कुछ खास जो है आपके पास यहाँ पे है नहीं कि जो सब कुछ आपको जो है वो याद रखना पड़े। बाकी जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व है उनमें जो है आपको मोस्टली वही चीजें मिलेगी जिससे एसोसिएटेड आपके पास नेशनल पार्क हैं। आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या जो है आपको पास यहाँ पे देखने को मिलते रहता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट समझते हैं अब आपके पास आगे जो है हम लोग इस सब्जेक्ट को किस तरीके से करेंगे। तो बायोस्फीयर रिजर्व से रिलेटेड जितनी चीजें हम लोगों को पढ़नी थी, हम लोगों ने कितने सारे बायोस्फीयर रिजर्व देख लिए हैं आप लोगों ने देखा होगा। तो हमने डिटेलिंग करी है आपके पास, सबसे पहले नीलगिरी की हमने देखी, फिर हमने गल्फ ऑफ मन्नार को भी हमने देखा, अच्छा हमारा अमरकंटक को भी हमने देखा, पंचमणी पन्ना को भी हमने देखा, नंदा देवी को हमने देखा, गल्फ ऑफ सॉरी कोल्ड डेजर्ट को देखा, डिब्रू साइखोबा को देखा, ढींग पटक और दिबांग को हमने देखा, हमने देखा सिमलीपाल के बारे में एंड अगस्त्यमाला के बारे में हमने देखा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इन सभी के बारे में। और पन्ना यहाँ पर आपके पास एक और जो है देखने को यहाँ पे आपको मिल जाता है, तो ये आपके पास हो जाता है 11। और एक और कहाँ पे बिहंग दिबांग जो है आपके पास है, डिब्रू साइखोबा मनास आपके पास उसके पास ही देखने को जो है मिल जाता है। तो ओवरऑल जो भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट साइट थी इनकी जो है मैपिंग हम लोगों ने कर ली। अब भी देखो अगर किसी को लगे कि सर शायद एनवायरमेंट की मैपिंग अभी हमारी कंप्लीट हो गई है, तो वो अभी भी कंप्लीट नहीं है, है ना, अभी भी कंप्लीट नहीं, अभी इससे आगे और भी है। अभी तो हमको वेटलैंड की मैपिंग करनी है, अभी हमको देखना है कि एलिफेंट के कॉरिडोर कहाँ कहाँ पर है आपके पास। अभी जो है उनकी मैपिंग भी जो है आपके पास यहाँ पे चलेगी। तो इनकी मैपिंग भी जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो चलेगी। बट अब एक चीज ध्यान रखना, अब क्या है कि कोई भी चीज ओवरऑल अगर मैं आपको देखूं तो इंडिया का कंप्लीट मैप हम लोग हमारे सब्जेक्ट में ज्योग्राफी को देख लूं मैं एंड अगर मैं एनवायरमेंट भी देख लेता हूं, तो ओवरऑल इंडिया के मैप को मैं कम से कम 4 से 5 बार आपके पास घुमा चुका हूँ, है ना। पूरे इंडिया के मैप को मैं कम से कम 4 से 5 बार जो है आपके पास पूरा का पूरा घुमा चुका हूँ। अगर मैंने अगस्त्यमाला ही आपसे पूछ लिया और मैं आपसे पूछ लो कि यहाँ से पासेस कौन कौन से इससे एसोसिएटेड हो सकता है, कौन कौन से पासेस यहाँ से एसोसिएटेड हो सकते हैं, तो क्या आप आंसर कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? ऑब्वियसली कर सकते हैं, कौन कौन से पासेस इस एरिया में हैं। हमने जब ज्योग्राफी का कोर्स किया था उसमें सबसे पहले हमने पासेस को पढ़ा था, वहां से आप इजिली आंसर कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक एक चीज की मैपिंग हम लोगों ने करी है ओवर द टाइम जो है सब्जेक्ट का आपका पूरा डेवलपमेंट हुआ है। तो अगर कोई जैसे जिसने क्लास आज ही अटेंड करी है या मान लो 5 6 दिन से भी अगर वो क्लासेस ले रहा है, तो ध्यान रहे कि एनवायरमेंट की मैपिंग करने से पहले एक तो इंडियन ज्योग्राफी की का मैपिंग भी जो है आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। एटलीस्ट माउंटेन्स एंड रिवर्स की मैपिंग, ये दो चीजें। मिनरल्स की मैपिंग अगर आप नहीं भी करते हो तो इट्स ओके बट कई बार जो है वो क्वेश्चन आ जाता है कि मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि अगस्त्यमलाई या छोड़ो जैसे सिमलीपाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है, इसके चैलेंजेस जो है आपके पास यहाँ पे क्या क्या है ना। तो आप बता सकते हो कि सर यहाँ पर जो है पास में माइनिंग जो है आपके पास यहाँ पे कहाँ कौन कौन सी माइनिंग जो है वो देखने को मिलती है ना, ये क्या है, ये उसके लिए खराबी है, आप उस एरिया को जो है क्या कर रहे हो, खराब कर रहे हो। अब ये सब आपको आएगा कब, जब आपको पता हो कि हाँ यार इधर माइनिंग होती है। अगर जिसको यहाँ पे पता ही नहीं कि नीलगिरी वाइल्ड से ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के पास में हमने KGF माइंस वगैरह उधर भी जो है पास हमने देखी है ना, तो अब जिसको पता ही नहीं वो लिख ही नहीं पाएगा। और एक साथ इतनी सारी चीजों को अगर आप याद करने की कोशिश करो तो वो भी नहीं होगा, है ना। तो स्टेप बाय स्टेप है ये पूरी मैपिंग का कोर्स जितना हम लोग कर रहे हैं। करीब आज मैंने टोटल अपने इस NOCIS प्लेटफॉर्म के ऊपर ही कितनी मैपिंग की क्लासेस ले ली है, तो आप मान के चलिए कम से 40 40 क्लासेस तो मैंने मैपिंग मैपिंग की ले ली है ना। माउंटेन्स की क्लासेस ली थी, रिवर्स की क्लासेस मैपिंग करी है, इंडियन पासेस को हमने मैप करा है, उसके बाद मिनरल्स को मैप करा है, इंडस्ट्रीज को हमने मैप करा है, वो सारी मैपिंग तो इंडियन ज्योग्राफी में ही आपके पास चली है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं तो हमने नेशनल पार्क को मैप किया है, 10 क्लासेस तो आपके एनवायरमेंट के कोर्स की हो गई है।
और अभी मैपिंग मैपिंग में आप मान के चलिए कि 5 से 6 क्लासेस आपके पास और आएगी, है ना, 5 से 6 क्लासेस आपके पास और आएगी। अब जब वेटलैंड्स की और मैपिंग करेंगे ना, तो अब क्या है, हम और ज्यादा बारीकियों के ऊपर चले जाएंगे चीजों की। तो इससे पहले के जो चीजें हैं वो अगर याद रहे तो वो ज्यादा बेटर है। यस, अदरवाइज क्या है कि उन नामों को याद करना थोड़ा सा मुश्किल जैसे आपके पास यहाँ पे हो जाता है। एंड क्योंकि जैसे नेशनल पार्क मैंने आपको पढ़ाया, तो नेशनल पार्क को मैंने जब पढ़ाया तो बहुत आसान आसान से पढ़ाया, धीरे धीरे, कोई स्पीड के साथ नहीं पढ़ाया मैंने, है ना, आराम से। एक दिन में दो दो स्टेट या तीन तीन स्टेट के नेशनल पार्क हमने याद किया है, उनकी प्रॉपर पोलिंग मैंने आपको कराई और याद करा दी। क्यों? ताकि उससे एक बेस बन गया हमारा। बट जैसे आज बायोस्फेयर की मैपिंग जब मैंने आपको कराई, तो मैंने इसमें किसी तरह की कोई पोलिंग करा करके कि भाई फटाफट से मैं इसको याद करा दूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब ये चीज करने की जरूरत है यहाँ पे। यस और नो? उसी तरीके से अब हम लोग जब आगे वेटलैंड्स में और उसमें भी चलेंगे, तो वहां पर भी ना इस चीजों को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नो डाउट वहां पे करेंगे, जो नाम मुझे लगेगा कि हाँ यार ये वाला नाम बिल्कुल ही नया है। जैसे आज की क्लास में हार्डली 4 से 5 ऐसे नाम होंगे जो आपने कभी भी देख सुन नहीं रखे होंगे, बाकी के सारे नाम हमने मैंने आपको प्रॉपरली याद करवा रखे हैं। यस प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा जैम, ना मैं दीवार से बात कर रहा हूँ ऐसा लग रहा है। यस प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा, है ना। तो आगे आपको अब क्या करना है कि धीरे धीरे इंडिया की मैपिंग जो है उसको कंप्लीट करो। वीक के एक वीक दो दो लेक्चर तीन तीन लेक्चर उनको देखो। मैं नहीं कहता कि 1 वीक में जो है उस कोर्स को लेकर के जो है वो खत्म ही कर दो, बस वैसे नहीं पढ़ना है कि एक ही दिन में खत्म कर दिया, उससे याद होगा भी नहीं चीजें। तिनका तिनका चीजें चलती है ना। तो 1 वीक में 2-3 लेक्चर देख लिए, अगले वीक में और 2-3 लेक्चर देख लिए, इस तरीके से करके उस मैपिंग के कोर्सेज को भी जो है आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है, तभी जाकर के जो है वो आगे आपके पास होगा। अदरवाइज आज जैसे अगर आप देखते हो ना, ओवरऑल लेक्चर में इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा दी है। अगर किसी का नेशनल पार्क जिसने आज ही की क्लास अटेंड करी हो, या ऐसा कोई जिसने नेशनल पार्क याद नहीं कर रखे हैं, उसके लिए आज की क्लास में क्या होगा कि सर आज की क्लास में तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दी गई है, मैं इतनी सारी चीजों को एक साथ कैसे याद रखूं। यस, उसके पास सबसे बड़ा टास्क यही होगा कि इतनी सारी इंफॉर्मेशन को सर मैं एक साथ जो है वो कैसे याद रखूं। तो याद करने का तरीका वही है कि आपको प्रीवियस क्लासेस देखनी पड़ेगी। जैसे ही प्रीवियस क्लासेस आप देखोगे, वहां से एक एक पॉइंट आपको याद होता चला जाएगा। एंड उसके बाद जो है आपको सिंपल पेन रखना होता है कि इंडिया के इस कोने में जाके अगर मैं यहाँ पे कहीं पर पेन रख दूं, तो आपको सब आसपास में कि इधर से रिवर कौन सी जा रही है, इधर माउंटेन कौन सा होगा, अगर कोई स्पीशीज यहाँ पे दौड़ के आ रही है तो वो कौन कौन सी स्पीशीज जो आपको देखने को मिल सकती है ना, ये सब आपको धीरे धीरे जो है याद हो जाना चाहिए। क्लियर सभी को? यस, है ना। तो ये सारी चीजें जैसे आपको यहाँ पे इजिली याद जो है वो हो जानी चाहिए। याद होती है तो सही है, अदरवाइज फिर क्या है कि क्वेश्चन तो आपके पास यहाँ से आते ही हैं, और उन क्वेश्चन को जो याद कर लेगा, क्योंकि देखो बहुत सिंपल सा है, जिसने पढ़ा उसको याद हो गया, कोई रॉकेट साइंस है नहीं। और जो लोग ये सोच करके कि यार इतना सारा डेटा जो है, इतना सब कुछ एक साथ जो है वो कैसे याद रखा जा सकता है, तो वो तो फिर वो यही सोचता रहेगा कि यार इसको तो याद नहीं किया जा सकता, मगर जो पढ़ेगा उसका जो है ये क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो बायोस्फीयर रिजर्व की हम लोगों को मैपिंग करनी थी आज की क्लास में, जो है इन लोगों को हमने जो है वो कंप्लीट कर लिया है। तो इस रिकॉर्डिंग को तो मैं यहीं पे ऑफ करता हूँ, ताकि क्योंकि हमारा एक टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है।